के साथ हो यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है। हमारे घर के आसपास नेबर्स में जो वन ऑफ द बेस्ट अंडा शादमी है, फिट अंडे की क्वांटिटी डालता है, मेयोनीज़ और लंदन बेकरी, जो लोग PWD के आसपास रहते हैं उनको पता होगा ये वहाँ का अंडा शामी है। और साथ साथ हमने बर्न भी करना है, तो हमारे घर के ऊपर जो होम गार्डन जो है उसके अंदर सारे गमले जो है साफ करने हैं। ये पड़ी हैं गोडी करने के लिए, इनको पहले जरा गन तो निकाल लेना उसके। एक सेकंड, दोनों काम साथ साथ होंगे, खाएंगे भी बर्न भी करेंगे, बात फिर मगे पर खाएंगे भी फिर बर्न भी करेंगे। एक सेकंड, एक घास वो झाड़ियाँ उगी हुई हैं रैंडम। सोच तो मैं रहा हूँ कि मैं जिम भी आज से ज्वाइन कर लूँ। अरे जी, पहले इनको हाफ काट लिया। अच्छा, कौन सा भैया? इसकी प्रॉपर एडिटिंग होगी, एडिटिंग होके सारा कुछ। अब इसके बाद मुझे किसने कहा था अपने मामू का बर्गर भी जाके खाना है कल परसों, इंशाल्लाह वो भी जाके मैं ट्राई करूँगा। यूट्यूब पर शौक है मेरा। अब जिम तो ये है कि मैं कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह जाऊंगा, जब मेरी थोड़ी बॉडी खुल जाएगी तो मैंने डंबल से घर में कुछ दो तीन दिन मैं एक्सरसाइज करूंगा, ताकि उसके बाद फिर एकदम से मैं जिम गया तो मुझे पता है बहुत सख्त पेन होनी है। छोटे छोटे डंबल में लाया था 3-3 किलो वाले इसी से गुजारा करते हैं। खैर, अब तो इतने दिनों बाद गा रहा हूँ तो शायद मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा डंबल्स आ गए हैं। थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करना शुरू करता हूँ। 6 महीनों के बाद डंबल उठाए हैं हाथ में। जब भी बंदा वर्कआउट करता है ना, ऐसी अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है जो हैप्पीनेस बॉडी में लेके आता है। 6 महीने बाद मैं पहली दफ़ा ये वज़न उठा रहा हूँ। कल मैंने आधा घंटा वॉक किया, इतना फ्रेश फील, कड़ाके निकलने लग गए। आवाज़ें सुने जरा कैसी आ रही है। 3 दिन बाद किया ये देख। वाह यार, मसल ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हो यार। इंशाल्लाह 2-4 दिन करूँगा ना रेगुलर, थोड़ी बॉडी खुल जाएगी ना, फिर जिम ज्वाइन कर लूँगा। शोल्डर्स की ओवरऑल सारी मिक्स कर। 1 अभी ये 3 किलो है और मुझे ऐसा लग रहा है ये 10 किलो का है। मतलब मैं इसी सेम एंगल के ऊपर मैं जिम में 12 वाला भी डंबल आराम से ट्राइसेप उठाता हूँ, और ये मुझे अभी 3 किलो वाला इतना 6 महीने नहीं कि इतना हैवी लग रहा है। गेंस आर नॉट लॉयल ब्रो, नॉट एट ऑल। बॉडी बिल्डिंग करके आप अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में ले आते हो। अगर सारी एवरेज
ह्यूमंस 8 बिलियन अगर इस लेवल पे हैं फिटनेस के, तो आप अपने आप को इतना वर्कआउट करके ऊपर ले आते हो। वो एक ऐसी स्टेट है कि वो अनस्टेबल स्टेट है, मतलब आप उसके अंदर अगर डाइट ना लेते रहो, वर्कआउट ना करते रहो कंसिस्टेंटली, बॉडी विल ऑलवेज ट्राई इट्स बेस्ट कि वो एवरेज हो, वापस एवरेज की तरफ आ जाए। तो आप लोगों को ये नहीं है कि एक दफ़ा बॉडी बन गई, चलो जी बन गई बस। हाँ ये है कि अब 6 महीने अगर मैंने नहीं की तो मैं ऐसा नहीं हो गया कि हसाम वो जो 9 इंच वाला हसाम हो गया, वो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन ये कि 16 इंच से बाजू मेरा ख्याल 14 पे या 13 पे तो आ ही गया होगा। दोबारा करूँगा तो जल्दी ग्रो हो जाएगी, क्योंकि वो मसल मेमोरी है, बॉडी को पता है कि भाई जान ये बेवकूफ़ इंसान है, पागल इंसान है ये, मतलब किसी दिन भी इसका पारा चढ़ता है, ये वज़न उठाना शुरू हो जाता है। तो मुझे उस गंदे दिन के लिए प्रिपेयर रहना है कि जिस दिन इसका जिस दिन दिमाग घूम गया तो ये ना हो कि मेरी वाट लग जाए। 2, 3, 4 ऐसे शोल्डर के कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सांस चढ़ने लग गया, मज़ा आ रहा, सेटिस्फेक्शन हो रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेरी बॉडी बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो टिकटॉक पे अगर आप लोगों ने नहीं देखी, मेरा नहीं ख्याल था वो 1 लाख पे पहुँच जाएगी। मैंने तो ऐसे बना के डाल दिया, हालांकि पहले भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बनाई हुई है, लेकिन टिकटॉक ने बड़ी, सिर्फ टिकटॉक ने नहीं बल्कि इंस्टाग्राम ने भी बड़ी इज्जत दी उसको यार। इंस्टा पे भी मेरा ख्याल है 1 लाख+ तो शायद चली गई है, टिकटॉक पर 2 लाख पे चली गई है। ये शोल्डर की हो गई, आर्म्स की हो गई, अब ज़रा थोड़ी सी बैक की, बैक किस तरह के डंबल रोइंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भैयान आज तो मुझे अपने मसल्स ही फील नहीं हो रहा है, कुछ है भी। दुनिया में हर चीज़ को जवाल है, इंसान को, उसके पैसे को, उसके कैरियर को, उसकी हेल्थ को, उसके रिलेशनशिप्स को, सिवाय द लिंक विद अल्लाह, अगर वो है वही है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी बिल्कुल एक पहाड़ की तरह है, हम सारे पहाड़ की एक साइड से ना नीचे गिर रहे हैं। जो थोड़ा सा फिटनेस थोड़ी बेहतर कर लेता है थोड़ा सा स्लो नीचे गिरता है, गिरना सब ने खड्डे में नीचे जाके पहाड़ से नीचे ही है, ऊपर नहीं जा सकते आप, क्योंकि पहाड़ के उस तरफ का जाने का मतलब है कि आप इन्फिनिटी लाइफ ले लेते हैं, वो नहीं हो सकता। गिरना सब नीचे स्लाइड हो रहे हैं, कोई थोड़ा सा आहिस्ता स्लाइड होता है जो थोड़ी अपनी हेल्थ का ख्याल कर लेता है या जिसकी अल्लाह ने ज़िंदगी ज़्यादा लिखी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 रात को पता लगेगा। ओए होए होए, इतना लंबा गैप नहीं करना चाहिए था 6 महीने का। लेट्स गो। बहुत हो गया वर्कआउट, पहले दिन के लिए इतना बहुत है। अब इंशाल्लाह 2-4 दिन मैं रेगुलरली करूँगा और आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी प्रोग्रेस भी दिखाता रहूँगा कि मेरा वेट अभी इस वक्त है 65। प्रॉपर डाइट मैं लेनी इंशाल्लाह स्टार्ट जैसे ही करता हूँ, जिम ज्वाइन करूँगा। 6 महीने से पहले पहले हमने दोबारा 72 पे आना है 65 से, तो आपके सामने डेली की प्रोग्रेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बॉडी कह रही है अल्लाह का माँ
अल्लाह का वास्ता है साहब, एक ही दिन में सारा दौड़ना डालो बेटा, तैयार हो जाओ, दो चार दिन है फिर उसके बाद जिम जाओगे, बैटल फील्ड है जिम। सही स्ट्रेच आ गया यार। यहाँ मुझे हंसी आ रही है, बॉडी कह रही है साहब मुझे किस पागल, किसने काटा है मुझे, एकदम से शुरू हो गया वजन उठाना, चेयर में से याद नहीं था। हंसी आने लग गई है यार, हंसी आ रही है यार। ओहो बस बहुत है, अच्छे मज़ा आया, थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हुई है, फ्रेश होया हूँ, इतनी ज़रूरी है फिटनेस आपके दिमाग के लिए भी यार। अब बाजू में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, वैसे के वैसे ही पतले हुए हैं अभी इस वक्त, चलें यार इंशाल्लाह करेंगे हम लोग, एक दिन में कुछ नहीं होगा, 6 महीने लगेंगे इंशाल्लाह वापस रीबिल्ड करने में। श्रीलंका जब मैं गया था दैट वॉज़ माई पीक लिटरली बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, 16 इंच मेरा बाजू पहुँच चुका था जब मैं श्रीलंका गया। वहाँ पे रिक्शा वाला मुझे कहता है, वो टुकटुक वाला, वो साथ मेरे एक और दोस्त था मेरा, रशियन दोस्त था रुस्तम, हालांकि रुस्तम की भी थोड़ी बॉडी थी लेकिन रुस्तम के कट्स थे, रुस्तम के साइज़ नहीं था, तो उसको कहता है भाई आप भी जिम स्टार्ट करो, इसको देखो आप भी कुछ साइज़ वाइज बनाओ। तो जब मैंने वापस आके फ़ोटोज देखी, क्योंकि खुद को बंदे को पता नहीं चल रहा था, जब वापस आके मैंने फ़ोटोज देखी तो मैं सही मतलब कि हैवी ड्यूटी मेरा मैस पुट ऑन हुआ था, 16 इंच का मेरा बाजू हो चुका था। तो अब इंशाल्लाह दोबारा 2-4-5 महीने तो लग ही जाएंगे दोबारा से इंशाल्लाह प्रॉपर डाइट करूँगा स्टार्ट, तो फिर इंशाल्लाह चलें लेट्स गो।